नमस्कार दोस्तों, मैं वेदिका राजपूत स्वागत करती हूँ आपके अपने सुप्रीम पावनिस चैनल पर। समझौता नहीं बाहर चाहिए, सुप्रीम पावनिस को आपसे मेरे प्यार और स्नेह के लिए सुप्रीम पावनिस के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किरनापुर से। किरनापुर रजे गांव में देर रात्रि एक ट्रांसपोर्टर व्यापारी पर हुए प्राणघातक हमले को लेकर 25 मार्च को व्यापारी संगठन द्वारा स्वेच्छा से शांतिपूर्वक बंद का किया आह्वान। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी पुलिस प्रशासन से की अपेक्षा। घटना रजे गांव की, जहां 22 मार्च की देर रात्रि निवासी दो युवक जिनमें विशाल कुथे एवं अतुल भिंडारकर द्वारा ट्रांसपोर्टर व्यापारी देवदत्त उर्फ देवा ठाकुर निवासी रजेगांव पर लाठी डंडों से प्राणघातक हमला करते हुए उसके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और वहां से भाग गए। प्राणघातक हमले में घायल व्यापारी देवदत्त ठाकुर को रात्रि में एम्बुलेंस की मदद से गोंदिया ले जाया गया, जहां एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की सतत निगरानी में इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि देवदत्त ठाकुर का ट्रांसपोर्टर का व्यापार है और उसके पास करीब 7 बड़े मालवाहक वाहन हैं, जिन्हें रजेगांव मंगोली नहर की सड़क के रास्ते से आने जाने के लिए विशाल एवं अतुल द्वारा अवैध रूप से पैसों की मांग की जाती थी, जिसे देवदत्त नहीं देता था, जिससे नाराज दोनों युवकों ने उस पर हमला कर दिया। रात्रि की घटना को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक मधुभगत और रजेगांव में व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जहाँ प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों के विरोध में व्यापारी संगठन रजेगांव द्वारा 25 मार्च को स्वेच्छा से शांतिपूर्वक रजेगांव बंद का आह्वान किया गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए किरनापुर रजेगांव से मदन मोहन पारासर की रिपोर्ट। विनोद कुमार बघेल, कल क्या घटना हुई है? सर, दो लोग आए और भैया को मार मार के चले गए। कौन लोग थे वो लोग, आप जानते हैं उनको? रजेगांव के लोग। रजेगांव के, तो उनका नाम जानते हैं हम? नाम एक को मुका बोलते जी और एक को अतुल जी। कल की घटना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मुझे रात में 9:30-10 बजे के तकरीबन नन्नू बिसेन जी का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि देव ठाकुर राज ट्रांसपोर्ट ठाकुर ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमला हुआ है और उनको प्राणघातक हमला उन पर किया गया और उनको तत्काल लेकर के ये गोंदिया रेफर हम लेके जा रहे हैं, ये मेरे को जानकारी दी। तत्पश्चात हमने SP साहब से उसी से क्षण बात की। SP साहब से हमने बोला कि गुंडागर्दी करने वालों के ऊपर अंकुश लगाए और जिन्होंने कातिलाना हमला किया है उनको तत्काल रूप से अरेस्ट करें और जिनको हमला हुआ है ठाकुर साहब के ऊपर उनका मजिस्ट्रेट जांच हो उनकी और उनको मजिस्ट्रेट के सामने वहां ले जा करके थाना प्रभारी के साथ उनका बयान लिया जाए और इस प्रकार की घटना आए दिन जो हो रही है।